हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर क्लास 9th और क्लास 10th के मैथ और साइंस सिलेबस कंप्लीट कराए जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ प्रश्नावली 1F को। प्रश्नावली 1E तक दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसका टोटल वीडियो आप दोस्तों प्लेलिस्ट से 1x1 करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 1F को। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्नावली वाले आपका पहला क्वेश्चन है आपका, धन पूर्णांक 6a+5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा, और चार ऑप्शन आपका दिया है। ऑप्शन ए पहला है आपका 5a+4, ऑप्शन दूसरा है आपका 6a+4, ऑप्शन तीसरा आपका 50a+5, ऑप्शन चौथा आपका 5a+6। तो 6a+5 के पहले आपका क्या आएगा? 6a+5 के पहले आपका क्या आएगा? 6a+4, यानी पहले का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। पहले का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन कहा है अपरिमेय संख्या है और चार ऑप्शन आपका दिया। ऑप्शन पहला है आपका 22/7, ऑप्शन दूसरा है आपका पाई, ऑप्शन तीसरा है आपका 0.69 और ऑप्शन चौथा है आपका 5/16। तो इसमें अपरिमेय संख्या आपको निकालना है, तो अपरिमेय संख्या आपका क्या है? पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, संख्या 4 3 है, संख्या 4 3 है, पहला आपका ऑप्शन है पूर्णांक, दूसरा आपका परिमेय, तीसरा आपका अपरिमेय, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो 4 3 आपका क्या है? 4 3 आपका क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या कहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन चौथे का पहला है आपका कड़ी में 5, दूसरा आपका कड़ी में 1, तीसरा है आपका 4 कड़ी में 1+4/9 और चौथा है आपका कड़ी में 2.5। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, यानी कि कड़ी में 1, क्योंकि कड़ी में 1 आपका क्या होता है? और 1 के, और 1 आपका पूर्णांक है। अगर आप दोस्तों देखते हैं चौथे का तीसरा 1+4/9, तो ये आपका अपरिमेय है। कैसे? अगर एक एलसीएम लेंगे तो आपका 9 आएगा, हर एलसीएम आपका 9 आ जाएगा, बटे 1 करेंगे तो यहाँ 9+4 क्या आएगा? आपका 13/9। अगर कड़ी में आपका 13 है, बटे आपका 9 बाहर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 3। कड़ी 13/3 आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इस वजह से आपका चौथे का ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा, कड़ी में 1 आपका परिमेय संख्या है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा। पांचवा पर क्या कहा है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। पांचवा का पहला आपका ऑप्शन 2.73241666, दूसरा है आपका कड़ी में 7, तीसरा आपका 2.73737373, चौथा आपका कड़ी में 0.9। तो आपका पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तीसरा, 2.73737373। अब लेते छठवा। छठवा का आपका क्या कहा है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ऑप्शन पहला है आपका यम, ऑप्शन दूसरा है m+1, या ऑप्शन तीसरा है आपका 2m, ऑप्शन चौथा है आपका 2m+1। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा, 2m। क्यों? आप यम की जगह कोई भी संख्या रखिए, मान लीजिए आप 1 रखते हैं 2×1 तब भी आपका 2 होगा, अगर आप 2 रखते हैं तब भी आपका 2 होगा, अगर आप 3 भी रखते हैं तब भी आपका क्या हो जाएगा? 6। यानी हर एक दशम आपका क्या आ रहा है? सम, यानी आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर सातवां। क्वेश्चन नंबर सातवां का क्या कहा है, किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ऑप्शन पहला आपका क्यू, दूसरा है आपका q+1, तीसरा आपका 2q, चौथा आपका 2q+1। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, 2q+1। कैसे बताते हैं? क्यू की जगह आप कोई भी संख्या रखिए, रखते हैं सबसे पहले 1 रखते हैं,
तो 2 × 1 + 1 बराबर आपको क्या आ जाएगा 3। मान लीजिए 2 रखते हैं, 2 × 2 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 5। अगर 3 रखते हैं 2 × 3 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 7। अगर 4 रखते हैं 2 × 4 + 1 9। हर एक दशा में आपका क्या आ रहा है, हर एक दशा में आपका क्या आ रहा है विषम। अब लेते हैं आठवां क्या कहा है आपका, संख्या या निष्पाद माइनस वन 8 से विभाज्य होती है यदि यन एक है, पहला गुणांक, दूसरा प्रति संख्या, तीसरा आपका विषम संख्या, चौथा आपका सम संख्या। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा, क्या विषम संख्या। कैसे बताते हैं, n² - 1 है, 8 से विभाज्य होगी कब, जब विषम संख्या को हम रखते हैं यन की जगह। चेक करते हैं, मान लीजिए आप विषम संख्या रखे 3, तो 3² - 1 आपका क्या हो जाएगा 3 × 9 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 8, और 8 से डिवाइड आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए विषम संख्या आप 5 रखते हैं, 5² - 1 = 25 - 1 बराबर 24 हो जाएगा, ये भी आपका 8 से डिवाइड होगा। यानी कोई भी संख्या आप यन की जगह अगर विषम रखते हैं तो 8 से विभाजित होगा, यानी वह संख्या क्या आ जाएगी विषम संख्या। अब लेते हैं नवा का आपका कहा, यदि 65 और 117 के एलसीएम को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान है। ऑप्शन पहला है आपका 4, दूसरा है आपका 2, तीसरा है 1, चौथा है आपका 3। इसका हम चेक करेंगे, कि 65 और 117 का यस्यप क्या है, क्योंकि यस्यप के बराबर आपको क्या दिया है 65m - 117। तो आपसे पूछा है क्या यम का वैल्यू 65m - 117, तो इसका गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा 13×5, और 117 का गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा 13×9। तो यस्यप आपको क्या मिला, यस्यप मिला आपको 13, यानी ये बराबर किसके है 65m - 117 के। तो 65m बराबर आपका क्या हो जाएगा 13+117, या कह लीजिए m बराबर आपका हो जाएगा 130/65। m का वैल्यू आपका क्या आ गया 2, यानी 9 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या आंसर सही हो जाएगा दूसरा, 9 का क्या आपका सही हो गया दूसरा, यम का वैल्यू आपका क्या आया 2। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो वह है, और 4 ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन पहला दिया है 13, दूसरा दिया है 65, तीसरा दिया 875 और चौथा दिया आपको 1750। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम क्या करते हैं, 70 में से आप माइनस कर दीजिए 5 और 25 में से आप माइनस कर दीजिए 8, यानी कि जिस जितना कहे कि क्रमशः 70 और 125 में भाग देने पर क्रमशः आपका क्या शेषफल आना चाहिए 5 और 8, जितना शेषफल आना चाहिए उसको सबसे पहले हम माइनस कर देते हैं और उसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 65, यह हो जाएगा आपका 117। तो 65 का गुणनखंड आपका क्या होता है 13×5, और 117 का गुणनखंड आपको क्या हो जाता है 13×9। तो एलसीएम हमको क्या मिला, एलसीएम हमको मिला 13, यानी इस 10 का ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। अब लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a = x^3, a बराबर दिया है आपका x^3, y² और b बराबर आपका दिया है xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्या है, तो यस्यप होगा किसका a b का। पहला ऑप्शन दिया है आपका एक्स वाई, दूसरा दिया है आपका एक्स वाई स्क्वायर, तीसरा दिया है आपका x^3 y^3, चौथा दिया है आपका x² y² तो इसका एलसीएम आपका क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्स को अगर देखें तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है कि दोनों में कॉमन हो, यानी एक्स है आपका, ठीक उसी प्रकार वाई में आपका हाईएस्ट कॉमन क्या होगा y², यानी एलसीएम आपका क्या हो गया
एक्स वाई स्क्वायर यानी 11 का आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। अब 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन अब क्या कहा है, यानी दो धनात्मक पूर्णांक को पी और क्यू को पी बराबर ए बी स्क्वायर, क्यू बराबर ए क्यूब बी के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां ए और बी अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम होगा पी और क्यू का। ऑप्शन पहला दिया है ए बी, दूसरा दिया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तीसरा दिया है ए पावर थ्री बी स्क्वायर, चौथा दिया आपका ए पावर थ्री बी पावर थ्री। इनका हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, जो हाइएस्ट पावर होती है उसको लिखते ही लिखते हैं कॉमन जो होता है, और जो कॉमन नहीं होता उसको भी हम लिखते हैं। तो ए और ए क्यू में हाइएस्ट पावर आपको क्या मिला, ए क्यू। बी स्क्वायर और बी में आपका हाइएस्ट कॉमन क्या मिला, बी स्क्वायर। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए पावर थ्री बी स्क्वायर तीसरा सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, और चार ऑप्शन आपका दिया है। ऑप्शन पहला आपका सदैव अपरिमेय संख्या, ऑप्शन दूसरा आपका सदैव परिमेय संख्या, ऑप्शन तीसरा आपका परिमेय या अपरिमेय संख्या, ऑप्शन चौथा है आपका एक। यानी कि 13 का आपका पहला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होता है। अब लेते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कहा है, 1 से 10 तक की संख्याओं को सम्मिलित है में से सभी संख्याओं के विभाज्य न्यूनतम संख्या है। पहला आपका दिया है 10, दूसरा दिया आपका 100, तीसरा दिया आपका 504, चौथा दिया आपका 2520। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2520। क्यों, अगर 1 से लेकर 10 तक यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 2520। चाहे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर चेक करना है चारों ऑप्शन में, ऑप्शन पहले में अगर देखेंगे तो ऑप्शन पहला तो 2 से आपका विभाजित हो जाएगा, लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी आपका पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा भी आपका 3 से विभाजित नहीं होगा, इसी वजह से दूसरा भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। अब तीसरे को चेक करते हैं, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसके वजह से आपका ऑप्शन सी बचता है कौन, चौथा। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर चौथा सीधे सीधे टिक मार सकते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहा है, परिमेय संख्या 14587 बटे 1250 का दशमलव प्रतिशत किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन पहला दिया 1, दूसरा दिया आपका 2, तीसरा दिया 3, चौथा दिया 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, चौदह हजार पांच सौ सत्तासी बटे कितना है आपका 1250, तो 1250 से हम भाग देंगे किसमें, 14587 में। तो 12050 से अगर 14587 में भाग देंगे तो तीन संख्या चार संख्या अगर लेते हैं आपका 12 से कितनी बार जाएगा, 1250 से सिर्फ एक बार जाएगा, तो हो जाएगा 1250। बचा क्या आपका, यहाँ 8 बचा, 5 में 5 जाएगा 0, 4 में 2 जाएगा 2 और 1 से 0 हो गया, यहाँ 7 बच जाएगा आपका। अब आपका कितनी बार जाएगा, एक बार, तो आपका हो जाएगा 1250। यहाँ बचा 7, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ 10 में से 2 जाएगा आपका क्या बचेगा 8, और 1 में से जाएगा 0। अब पॉइंट लगा के यहाँ पर एक 0 उतारेंगे आप, अब देखेंगे आपका कितनी बार जाएगा, तो 12 25 60 12 76 72 6 बार आपका जा सकता है। तो 6 0 0 6 25 30 की 0 3 हासिल, 6 9 12 3 15 5 1 हासिल, 6 6 3 6 6 1 7। तो ये हो गया आपका 0, यह हो गया आपका 7, और यहाँ 13 में से 5 जाएगा 8 5 13, और यहाँ 7 में 7 जाएगा 0। पुनः आप क्या करेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर आपका कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो हो जाएगा 7500 बचेगा आपका, यहाँ 0 यहाँ भी 0, अगर 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा,
और 8 में से 7 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। अब आ जाएगा आपका 1 जीरो और उतार देंगे तो अब आपका कितनी बार जाएगा बाहर से 9 बार जाएगा। तो 12 जा रहा है आपका 9 बार गुणा करेंगे 1250 में, 9 जीरो 0 9 5 45 को 5 4 हासिल, 9 2 18 2 20 2 22 को 2 2 हासिल, 9 के 9 2 11 और यहाँ बचा 0 और यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ आपका 9 में 2 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0 में से 1 जाएगा 0 फिर 0 बढ़ा लीजिए। अब आपका कितनी बार जाएगा 12 25 60 12 6 72 6 बार देखते हैं 6 बार 6 0 6 5 30 को 0 3 हासिल, 6 2 12 3 15 को 5 1 हासिल, 6 9 6 1 7 यानी टोटल आपका कट गया। तो दशमलव के कितने स्थान तक आपका हो गया 4 स्थानों तक 11.6696 यानी कि 15 का आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 15 का आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी प्लान सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट को मिलते रहे। धन्यवाद।